हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे श्री हर्बल का हेयर ग्रोथ फार्मूला, ये हेयर पैक शेयर करने वाली हूँ और लाइव रिजल्ट आपको दिखाऊंगी, लगा के भी आपको दिखाऊंगी। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है हम देखेंगे और ये पूरी तरीके से नेचुरल है या नहीं उसे भी हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ये है श्री हर्बल, मीन्स उत्तराखंड है, मेड इन उत्तराखंड है, मीन फुल इंडियन प्रोडक्ट है। अगर इसकी पैकेजिंग देखी जाए तो आप पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। इस तरह से ये पैकेट में आपको मिल जाएगा। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है और आपको कैसे लगाना है सब इस पर दिया हुआ है। और ये मेन और वुमन दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, केमिकल फ्री है, कंडीशन करेगा, इजी टू यूज़ है और ये मेन और वुमन दोनों यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ इन्होंने प्रयोग का विधि दिखाया है। 2 टेबल स्पून आपको लेना है। आपको इसे दही में या पानी में मिक्स करके 30-40 मिनट आपको लगाना है। बाद में आपको हेयर वॉश करना है। हेयर पैक जैसा आपको इसे यूज़ करना है। इसके यूज़ से आपके बालों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, हेयर फॉल थम जाएगा रेगुलर यूज़ से, और बालों में शाइनिंग आएगी, बालों में जितना डैंड्रफ होता है, बालों की रफनेस होती है, क्योंकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ दिए हैं इन्होंने, ये सब आपके बालों को जड़ से काला बनाते हैं, बालों को हेल्दी रखते हैं, स्मूथ शाइनी बनाते हैं और साथ ही में बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं हम इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये है 200 ग्राम्स, 180 में आपको मिल जाएगा, आपको किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये आप इसे आसानी से बाय कर सकते हो इस श्री हर्बल की वेबसाइट से या ऑनलाइन से भी आप इसे बाय कर सकते हो। 180 में बहुत अच्छा, मीन्स 200 ग्राम्स आपको मिल जाता है, मीन्स बहुत अच्छे से इसकी क्वांटिटी है। और चलिए इसमें देख लेते हैं हम क्या क्या है। ओके, इसमें है, तो इसमें है भृंगराज, कॉफ़ी, आंवला, अम्बा, शिकाखाई और इसमें है ब्रह्मी, मुल्तानी मिट्टी भी है इसमें, साथ में कपूर है और पुदीना है, मीन्स मिंट भी है इसमें। और इसमें है जटामासी। जटामासी आपको मालूम होगी आपके बालों को काला बनाती है, बालों की ग्रोथ बहुत अच्छे से करती है। और बहुत सारी इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स है, कलौंजी है। हेयर पैक में जितने भी इंग्रेडिएंट्स है आप देख सकते हो पूरी तरीके से नेचुरल है। कंपनी यहाँ क्लेम करती है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स जितनी भी है नेचुरल है, केमिकल फ्री है बिल्कुल, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। 24 मंथ इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, मीन्स 24 मंथ आप इसे यूज़ कर सकते हो। पैकेजिंग, अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल रुके सुके हो गए हैं, बाल जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, बाल कमज़ोर हो गए हैं, बालों में डैंड्रफ हो गई है और जितने आपके बालों की प्रॉब्लम्स है सब है इस हेयर पैक से रिमूव हो जाएंगे। यकीन मानिए पूरी तरीके से नेचुरल हेयर पैक है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं दोस्तों आपके बालों को हेल्दी रखने के लिए बेनिफिशियल है और इससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। बस डैंड्रफ नहीं रहेगा, जो आपके फॉलिकल्स है डैमेज फॉलिकल्स, वो डैमेज फॉलिकल्स को ये रिपेयर करने का काम करेगा। इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो मैं हमेशा मेरे रेमेडीज़ में यूज़ करती रहती हूँ, बालों को काला करने के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की हेल्थ के लिए। तो ज़रूर ट्राई करना दोस्तों इस हेयर ग्रोथ फार्मूला को, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, रिजल्ट आपको अपने आप दिख जाएगा। लगाने में भी आसान है, कोई झंझट नहीं है, हेयर पैक जैसे आपको लगाना है। चलिए मैं आपको इसे लगा के दिखाती हूँ। इसका हेयर मास्क मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी और अप्लाई भी करके दिखाऊंगी। इस तरह से ये आपको मिल जाएगा, ये देखिए 180 में बहुत सारी क्वांटिटी है और आप इसे बहुत दिन यूज़ कर सकते हो। ओके, तो चलिए इसे हम बनाते हैं। ओके, और इसको मैं बनाने वाली हूँ दही में। आप चाहे तो जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन दही में बनाने की एक वजह है कि दही से अच्छा इफ़ेक्ट आएगा और बालों को, और क्योंकि बालों के लिए दही बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ मैं 2 स्पून लूँगी। ओके, आपको 2 ही स्पून लेना है, मीन्स पानी में या दही में मिक्स करके आपके जो रूट्स होते हैं, जो स्काल्प होता है वहाँ आपको अप्लाई करना है, ना कि पूरे बालों पे लगाना है। ओके, तो चलिए इसमें मैं दही मिक्स करूँगी। 2 स्पून लिए हैं मैंने ये इस साइज़ के, दही में उतना ही लूँगी जितना इस हेयर पैक के लिए इनफ हो। ओके, 1 स्पून मैंने ले लिया। इसे अच्छे से मिक्स करके मैं हेयर पर अप्लाई करूँगी। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं दोस्तों बहुत अच्छे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें।
ऐसे नेचुरल चीज़ें आपको हमेशा यूज़ करनी ही चाहिए। केमिकल डाइट, केमिकल प्रोडक्ट ज़रा स्किप कर दीजिए। नेचुरल चीज़ें हमेशा अच्छी होती है। कई बार थोड़ा सा इफ़ेक्ट देर से देती है, लेकिन इफ़ेक्ट देती है। तो यहाँ हमारा जो पैक है रेडी हो चुका है। ओके, पैक भी एकदम स्मूथ यहाँ बन चुका है, देखिए। और दही इसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अच्छे से मैं स्काल्प पे रूट्स को लगा लूँगी। और इसमें मुल्तानी मिट्टी है, कलौंजी है, जटामासी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमेशा मैं मेरे रेमेडीज़ में यूज़ करती हूँ। मुल्तानी मिट्टी भी आपके बालों को कंडीशन करती है और बालों को स्मूथ करती है, शाइनिंग लाती है। तो सही में बहुत अच्छा हेयर पैक है और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों। तो चलिए इसे अप्लाई करते हैं। यहाँ मैं आपको हेयर पैक लगा के दिखाऊंगी। और मेक श्योर कर लेना कि आप जब भी हेयर पैक लगाओ तो नहाने से पहले आप 30 या 40 मिनट पहले लगा लीजिए, क्योंकि इसको इतना टाइम देना ही पड़ता है। और आपको इसे आपके रूट्स को लगाना है और स्काल्प को अच्छे से मसाज करनी है। पूरे बालों को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें मुल्तानी मिट्टी होने की वजह से ये थोड़ा सा ड्राई होता है या थोड़ा मेसी प्रोसीजर होता है, लेकिन बालों की हेल्थ चाहिए, बालों को शाइन करना है, बालों की ग्रोथ अच्छे से करनी है, तो ऐसे फेस पैक आपको ज़रूर ट्राई करने होंगे। लगाते टाइम थोड़ा सा ड्राई ड्राई फील होता है, बाल थोड़े से रूखे रूखे हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर हेयर वॉश आपके बाल बहुत स्मूथ शाइनी हो जाते हैं। साथ ही में बालों की हेल्थ भी अच्छी रहती है। और इसे लगाने के बाद थोड़ा सा हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है। यह वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड है, इसलिए आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा होगा, लेकिन मैंने बहुत ही हल्के हाथों से मसाज की है। लगाने के बाद आप इसे टाई कर दीजिए। 30 या 40 मिनट आपको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपको हेयर वॉश करना है। जिस तरह से आप करते हो उस तरह से आप कर लीजिए। मैंने हेयर वॉश नॉर्मल टैप वाटर से किए थे, कोई शैम्पू यूज़ नहीं किया था। और उसके बाद भी मेरे हेयर बहुत ही स्मूथ मैनेजेबल हो चुके थे। मेरे हेयर थोड़े फ्रीजी टाइप के हैं, तो उसे मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस हेयर मास्क के यूज़ करने के बाद बाल बिना कॉम किए ही बहुत अच्छे से मैनेजेबल हो चुके थे और मुझे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिला है। और इस स्काल्प को मसाज करने की वजह से आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है। वैसे प्रोडक्ट में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं आपके बालों को ग्रो करने में, ग्रोथ बढ़ाने में बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ज़रूर ट्राई करना इस हेयर मास्क को। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी और अच्छे रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।